नमस्कार, आप देख रहे हैं जुबी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। किसान आंदोलन पर बोले किसान, कहा भारत बंद के दौरान शादी और एम्बुलेंस को रहेगी छूट। अब हमारे मन की बात सुने पीएम मोदी। जी हां, नए कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन और तेज होता नजर आ रहा है। रविवार को किसान नेताओं ने 8 दिसंबर को प्रस्तावित भारत बंद और आगे की रणनीति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही सबकी निगाहें अब 9 दिसंबर को सरकार के साथ होने वाली किसानों की बातचीत पर भी टिकी हुई है। भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी जगमोहन सिंह ने कहा कि किसानों में मंथन यही हुआ है कि हम अपनी मांगों से कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी के मन की बात हम सुन रहे हैं, अब उनको हमारे मन की बात सुननी चाहिए। किसान नेता बलदेव सिंह ने कहा कि अब ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का न होकर पूरे देश में बढ़ चुका है। भारत बंद के आह्वान को लेकर सरकार तिलमिलाई हुई है। किसान नेता ने कहा कि 8 दिसंबर को सुबह से शाम तक बंद रहेगा, चक्का जाम 3 बजे तक होगा, एम्बुलेंस और शादियों के लिए रास्ता खुला रहेगा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहेगा। चंडीगढ़ सेक्टर 17 के ग्राउंड में 7 तारीख को बड़ा प्रदर्शन करेंगे। भारत सरकार के सामने शर्त रखी है कि अगर वैक्सीन के कारण किसी को गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं तो पीड़ितों को मुआवजा देने का भार उस पर ना हो। उसकी मांग है कि भारत सरकार ही पीड़ितों को मुआवजा दे और ऐसी स्थिति में फाइजर की कोई भी जिम्मेदारी ना हो। हालांकि भारत सरकार फाइजर की इस शर्त को लेकर नाखुश नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर, योगी सरकार ने शुरू किया मिशन रोजगार, 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का टारगेट। जी हां, देश में कोरोना का कहर थमा नहीं है। हालांकि कोविड-19 से संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कोरोना के चलते आर्थिक मोर्चे पर बहुत नुकसान हुआ है, साथ ही बड़ी तादाद में नौकरी से लोगों को हाथ धोना पड़ा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। राज्य की योगी सरकार ने सूबे में मिशन रोजगार का आगाज कर दिया है। इस अभियान के तहत 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें, योगी सरकार द्वारा शुरू किया गया यह मिशन सूबे के इतिहास में इकलौता सबसे बड़ा मिशन है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को इस मिशन के तहत बीजेपी सरकार रोजगार और स्वरोजगार मुहैया कराएगी। सरकार के इस मिशन के तहत युवाओं को काफी फायदा होगा और रोजगार अवसर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। भारत बंद को 51 ट्रांसपोर्ट यूनियन ने दिया अपना समर्थन। जी हां, इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन और दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन 8 दिसंबर को दिल्ली में किसानों के विरोध के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हड़ताल का आह्वान किया है। 51 ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने 8 दिसंबर को किसान संगठनों द्वारा भारत बंद के आह्वान पर अपना समर्थन दिया है। इससे पहले 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक संयुक्त मंच ने भारत बंद को अपना समर्थन देने की बात कही थी। आपको बता दें कि ITTA के अध्यक्ष सतीश सेरावत ने कहा कि 51 यूनियनों ने किसानों का समर्थन करने का फैसला किया है। खेती और ट्रांसपोर्टिंग एक पिता के दो बेटे की तरह हैं। तेल की कीमतों में लगी आग, 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचे पेट्रोल डीजल के दाम। जी हां, पेट्रोल कीमतों में रविवार को 28 पैसे प्रति लीटर की और बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं डीजल के दाम 29 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। इस तरह वाहन ईंधन कीमतों में लगातार 5वें दिन वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ने से घरेलू बाजार में भी वाहन ईंधन महंगा हुआ है। पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 83.13 रुपए से बढ़कर 83.41 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसी तरह डीजल के दाम 73.32 रुपए से बढ़कर 73.61 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। मुंबई में पेट्रोल 89 रुपए प्रति लीटर और डीजल 80 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो गया है। पेट्रोलियम कंपनियों ने 20 नवंबर से ईंधन की कीमतों में फिर संशोधन शुरू किया है। इसके बाद से यह वाहन ईंधन कीमतों में लगातार 5वीं वृद्धि है। 20 नवंबर से वाहन ईंधन के दाम 14 बार बढ़ाए जा चुके हैं। इससे पहले करीब 2 माह तक पेट्रोलियम कंपनियों ने कीमतों में कोई संशोधन नहीं किया था। सितंबर 2018 के बाद अब वाहन ईंधन के दाम सबसे ऊँचे स्तर पर बने हुए हैं। किसानों के प्रदर्शन पर बोले शरद पवार, कहा जल्दीबाजी में पास हुआ बिल, अब सरकार को हो रही है समस्याएं।
जी हां, नए कृषि सुधार संबंधी कानूनों पर किसानों के लगातार तेज होते जा रहे प्रदर्शन और 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि केंद्र सरकार ने संसद से इस बिल को पास कराने में जल्दीबाजी दिखाई। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि आज सरकार को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि हरियाणा और पंजाब के किसान मुख्य तौर पर धान और गेहूं का पैदावार करते हैं और वे प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर स्थिति जल्द ठीक नहीं हुई तो हम देखेंगे कि देश भर के किसान इस प्रदर्शन में आकर शामिल हो जाएंगे। पवार ने आगे कहा कि जिस वक्त संसद में बिल पास कराया जा रहा था, हमने सरकार से यह अनुरोध किया था कि उन्हें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, इसे चयन समिति के पास भेजा जाना चाहिए और चर्चा की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बिल जल्दीबाजी में पास करा दिया गया। अब सरकार इस जल्दबाजी के चलते मुश्किलों का सामना कर रही है। आम आदमी पार्टी ने किया किसानों के भारत बंद का समर्थन, 8 दिसंबर को सड़क पर उतरेंगे पार्टी के कार्यकर्ता। जी हां, लगातार 11 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं। सरकार से 5 राउंड की बातचीत बेनतीजा रही है। 8 दिसंबर को किसानों की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया है। आम आदमी पार्टी ने 8 दिसंबर को किसानों द्वारा बुलाए गए इस भारत बंद के समर्थन की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने जानकारी देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आह्वान किया है कि दिल्ली और देश भर के आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता किसानों का समर्थन करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि 8 दिसंबर को किसानों द्वारा किए गए भारत बंद के आह्वान का आम आदमी पार्टी पूरी तरह से समर्थन करती है। देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से उसका समर्थन करेंगे। सभी देशवासियों से अपील है कि सब लोग किसानों का साथ दें और इसमें हिस्सा लें। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के आरोपी की हो सकती है संपत्ति कुर्क, गृह मंत्री बोले सरकार कर रही है विचार। जी हां, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद के खिलाफ बनाए जा रहे कानून पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान जोड़ने पर विचार कर रही है। दरअसल नरोत्तम मिश्रा भोपाल में थे, यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बनाए जा रहे कानून को और सख्त बनाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद कानून जल्द ही कैबिनेट में आएगा और उसके बाद विधानसभा में 28 दिसंबर से शुरू होने वाले सत्र में इसे पेश किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि हमारा कानून दूसरे प्रदेश से अलग होगा, अच्छा होगा और सख्त भी होगा। 10 साल की सजा के बारे में आपको पता ही है। इसके अलावा संपत्ति कुर्की और पीड़िता को गुजरा भत्ता जैसे विषयों पर भी सरकार की चर्चा चल रही है। सेना के जवानों को मिलेगा 11 साल का मकान भत्ता, सरकार ने उठाया है ये कदम। जी हां, सरकार ने तीनों सेनाओं के जवानों के लिए एक नियम बनाया है जिसमें जो जवान किराए से रह रहे हैं वो रैंक के आधार पर मॉडिफाइड अस्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम के तहत मकान का भत्ता ले सकते हैं। दरअसल छठवें पे कमीशन में कुछ गड़बड़ियों की वजह से सैनिकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। सैनिकों को जनवरी 2006 से जून 2017 तक यानी कि 11 सालों तक क्वार्टर के बदले कंपनसेशन नहीं मिल पा रहा था। अब यह लाभ लेने के लिए सैनिक जून 2006 से जून 2017 तक के बीच का कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इस पर आदेश जारी कर दिया है। यह व्यवस्था साल 2006 से लागू मानी जाएगी। ऐसे में एक अनुमान के आधार पर कहा जा रहा है कि सेना के जवानों को करीब 1000 करोड़ रुपए का फायदा होने की उम्मीद है। वेनेजुएला में नेता ने कहा जो वोट नहीं करेंगे उन्हें नहीं मिलेगा खाना। जी हाँ, कुछ देशों में मतदान अनिवार्य है और अगर आप वोट नहीं देते हैं तो आपको दंडित किया जा सकता है या फिर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन वेनेजुएला में आपने मतदान नहीं करा तो आपको और गंभीर दंड मिल सकता है। वहाँ अगर आपने वोट नहीं किया तो आपको खाना भी नहीं खा सकते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे निकोलस मादुरो के लिए प्रचार कर रहे उनके शक्तिशाली सहयोगी डायोसाडो कैबोलो ने एक रैली में कहा कि जो लोग वोट नहीं करेंगे उनको खाना नहीं मिलेगा। उन्होंने एक प्रचार रैली में भाषण देते हुए कहा कि जो लोग वोट नहीं देंगे उनको खाना नहीं मिलेगा।
वेनेजुएला में 6 दिसंबर को वोटिंग हो गई है। यह चुनाव एक नई संसद जिसे नेशनल असेंबली के तौर पर जाना जाता है। अभी वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति जुआन गुआडो हैं। उन्हें करीब 60 देशों से मान्यता मिली हुई है। इन देशों में अमेरिका भी शामिल है। आज का मैडक्विज क्वेश्चन आ चुका है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।